बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब सिटी वाले पहली बार गांव में आए तो ऐसा होता है कुछ। ये बन गया जी रोटी, ये अच्छा वो है आपकी। जैसा कि हमने एक बार पहले वीडियो बनाई थी इस घर की, तो आए थे बाजी कंवल हमारे घर और हमने बनाए थे तब उसरी की रोटी और साथ में बनाई थी चाय वगैरह। तो आज हमारे घर आए हुए हैं बाजी किरण लोग और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है जी कचनार, और साथ में बना रहे हैं हम पकोड़े और वो भी बैंगन के। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। किस वजह से? थैंक यू सो मच। और इसमें क्या है? और ये मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये हमारे कुछ गेस्ट हैं और इन्होंने ये दिया है हमें गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी। थैंक यू। कोई थैंक्स थैंक्स की जरूरत नहीं। ओए भाई मैं उनका कर रहा हूं, रोटी खा तो रोटी जेड़े काम कराने वास्ते आई। इतना तकल्लुफ क्यों किया सर? थैंक यू सो मच। क्या बना रहे हैं जी? पकोड़े बना रहे हैं जी, हम आलू और बैंगन वाले पकोड़े बनाएंगे। जैसे आलू के पतले पतले कतले होते हैं वैसे बैंगन को भी, बैंगन को कट करेंगे और आलू भी हम इसमें मिक्स करेंगे और बनाएंगे आलू और बैंगन के पकोड़े। बैंगन हमारे पास ये धुले हुए रखे हैं, हमारे बाकी मसाला रेडी है। ये बाजी किरण भी आए हैं और साथ में बाजी कमल भी आ गए हैं। एक बार पहले आए थे वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। तो बाजी कैसा लगा आपको दूसरी बार हमारे घर आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है। और तो मौसम, इसका मतलब है पहली वीडियो जब पहली बार आप आए थे आपको अच्छा लगा था तभी आप दूसरी बार आए? दूसरी बार 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 आऊंगी। तो कचनार ये बन रहा है हमारे घर आज। आपने कहा था मैं अम्मी को सिफारिश करूंगी आपकी शादी की। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह मैं 10 साल से सुन रहा हूँ बाजी कमल, आज आप भी कह दें अम्मी को, अम्मी कर दो, कर दो इनकी शादी कर दो, ये ना हाथों से निकल जाए, अभी हाथों में रखो, ये ना खुद ही लेके आ रहा हूं। इस तरह से थोड़ी होती है मिनटें करके शादी। अच्छा काम उस तरह का खुद ही कर देंगे। चाय में नमक डाल दूं, मंजा चक के चला जा, मैं छाते में मच्छर काट दिया। आसपास के हमसायों से बात कर, वो खुद ही दिल ढीली आएंगे, अपना मुंडा समझाओ। बाजी ये जो आपने केक, ये जो आप केक लेकर आए हैं मेरे लिए, ये 30 केक की है या घर की मिठाई है? 30 केक ही नहीं है, इसका मतलब है एक और केक आएगा, 30 के होने वाले हैं मेरे। हाँ मैं दूंगा। ये लकड़ी को, ये पानी निकल रहा था जो, और इसका ये ददरी वगैरह, ये ददरी और दांत वगैरह पे लगाते हैं वो जो सफेद सफेद हो जाता है। हाँ अच्छा, एलर्जी। उसके लिए उसके ऊपर लगाते हैं। तो गैस ये बैंगन के पकौड़ों का मटेरियल है। तो गैस हमारी बहस हो रही है कचनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैंने तो बताया कि इसको कहते हैं कचनार। क्या कहते हैं वैसे, क्या कहते हैं आप? इंग्लिश कर रही हैं ना या फिजियोथेरापी? वो डॉक्टर होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना इसके बारे में। डॉक्टर होता है, कचनार वाला डॉक्टर नहीं होगा। अच्छा तो बस गैस हमें तो नहीं पता चल रहा, बस हम तो इसको कहेंगे कचनार। मियां बता, देखते ही पहली दफा पे तैं ठीक कुछ कहने आज तक जिंदगी। गाइस वहां पे बन रहा है जी कचनार, कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, बचपन की दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। ये क्या है? वीडियो ना बनाओ अभी। सुभान अल्लाह। या ओ मीरा वाली ना बोलो आप दे रहे। पकोड़े बन गए अच्छे, अब मुकाबला सख्त है,
कचनार। नहीं नहीं मुकाबले की बात ना करें भाई। अच्छा आप बहनों को ना लड़ाएं आपस में, ये चाहते ही हैं। नवी नवी हम लड़े, नवी नवी हम बहनें बड़ी हैं बनी हैं और आप अम्मी देखो जी हेड मास्टर हो तो खड़े हैं। हां होगा फ्रेश पाएंगे ये जंक्शन कुछ नहीं पकड़ेगा इसको। सल्फेशन में मुझे लग रहा है सीधे देख नमक वगैरह रखा मुझे देते इधर है ये साइड ओके ओके गाइस हम बना रहे हैं जी चिकन, उसमें हमने मिक्स करना है जी कचनार। तो अभी मैं भाई अनवर से पूछता हूँ, मेहमानों से पूछता हूँ कि जो अगर कोई कचनार ना खाता हो तो हम उसके लिए गोश्त निकाल के साइड पे रख लें। अनवर भाई कैसे गोश्त निकाल के साइड पे रख लें अगर आप लोगों ने कचनार नहीं खानी तो? नहीं नहीं हमने खा लिया कचनार ना, ये तो पसंद करते हैं वैसे भी, बहुत पसंद है हमें। पुदीना धनिया सब्ज़ मिर्च इसको पीस के दही डाल देंगे। ये बन रही है जी चटनी जी, किस चीज की है? धनिया पुदीना और सब्ज मिर्च। गोश्त हमारा हाफ डन हो गया, अब इसमें कचनार ऐड करने का। कचनार को आपने फ्राई नहीं किया? नहीं नहीं मैंने फ्राई नहीं किया, कुछ लोग करते हैं फ्राई करते हैं, कुछ लोग बॉईल कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही। गैस वहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है और इन्होंने मुझे काम पे लगाया कि आपने ना ये तनूर जलाना है अभी, तो मैं वो खाना बना ले, मैं यहाँ पे तनूर जला लूँ। तो गैस कमेंट्स में लास्ट में दुआ करना कि मैं तनूर जल्दी जला सकूँ। वाओ खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, माउथ वाटरिंग। बाजी कलीम मिसेस कलीम रेडी हो जाए कंपटीशन के लिए? अभी नहीं नहीं नहीं, अभी टेस्ट होगा तभी पता चलेगा ना। नहीं ये कोई कंपटीशन, मैंने वैसे बनाया फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा सा मैं बता ही नहीं सकी। एक तरफ कह रही है कंपटीशन नहीं करना, दूसरी तरफ कह रही है कि बनाया मैंने पहली दफा, के ये ना कहें कि सही नहीं है। मुझसे तनूर नहीं जला तो अम्मी आ गई हैं अभी मेरी हेल्प करवाने के लिए। है हिम्मत देखे ना ना आप, उसको देखेगी तो वो रेड हॉट लगेगा। अच्छा सही है, वो देखो आंटी के हिम्मत है ना मेरी अम्मी की। इधर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप वहाँ पे सो रहे हैं? मेरे फोन की बारी आ गई। अच्छा क्यों, क्या हुआ है? चार्जिंग खत्म हो। चलो ये पकड़ो मैं आपको दूँ। आप अपनी जेब में डाल लेना। लग गई आपसे, लग गई रोटी हाँ? बाजी क्रीम जी लग गई, वेल डन। सही है ना, लग गई। गर्मी बहुत है, मेरा हाथ में भी जला है मेरा फ्रेश। आज तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, देखें बादल भी बने हुए हैं, आज तो सूरज की तपिश भी बहुत कम है। ये जी माशाल्लाह बाजी कमाल ने बनाई है रोटी माशाल्लाह। अभी बारी है जी बाजी किरण की, अम्मी सही बना रही हैं ये रोटियां, वेल डन। उस्ताद दा हाथ होवे ना सिर ते। ये गांव वाली जिंदगी इतनी नहीं आसान।
बस इतना समझ लीजिए शहर की लड़कियों को यहाँ पे आके आंसू बहाने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहा रहे हैं और खुशी से बहा रहे हैं, टेंशन ना लें आप। अगर कोई सिटी वाली लड़की ने कह दिया कि मैंने आपसे शादी करनी है, उसको कुछ बता दें आप? उसे कहो कि ना सिलेंडर रख लेंगे, तुम्हारी टेंशन ना लो, जरूरी नहीं आग जलवाएंगे तुमसे। अच्छा नहीं, मुझे टुकर पका के कौन देगा फिर? सिलेंडर पे पका लेगी, कोई मसला है? सिलेंडर पे रोटी तो बनानी है ना। सिलेंडर पे पका लेगी, वहाँ पे आग नहीं बुझती? नहीं बुझती, सिलेंडर पे आग बुझती है, जलती रहती है मुसलसल। This is Kachnar. मैं बोटी चेक करूंगा। बोटी चेक नहीं हो रही, कचनार चेक हो रहा है। इधर इधर आओ, काम करेंगे तो फिर मेहनत का सिला मिलेगा। ये लो, ये ऐसे काफी है, ध्यान करिए कहां ना आवे। तो फाइनली गाइस ये देखिए कचनार और गोश्त, और ये हैं जी बैंगन के पकोड़े, रेडी हो चुके हैं सारा कुछ, और ये है रायता, और ये हैं जी तंदूर की रोटियां। तो मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है, फटाफट से इसको करते हैं खत्म। और रोटी तो बिचारे, कैसा बना जी खाना? अनवर भाई बहुत अच्छा बना, थैंक यू बाजी, बहुत जबरदस्त कचनार बना हुआ है जी। और कमल भाई आपका भी थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। हक कहा नाम शाम को नहीं मरा। तो गाइस ये मेरे 30 के एडवांस होने की 30 के एडवांस की खुशी में आ गया है जी केक, और साथ में आए जी फ्लावर। Thank you.